गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप। आज है धनतेरस। जैसे कि आप लोगों को पता चला कि बर्थडे वाले दिन मैंने जितना भी व्लॉग किया था वो सब स्लोमो में शूट हो गया, और स्लोमो जब भी कैमरा कैप्चर करता है वो ऑडियो कैप्चर नहीं करता है, और इसीलिए मैंने बहुत सारा वॉइस ओवर डाला है। बहुत ज्यादा शूट किया था बट मुझे बहुत कम डालना पड़ा, सब कुछ कट कट करके डालना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इतनी सारी फुटेज स्क्रीन पे ऐसे ही चलती रहेगी जिसमें मेरे लिप्स कुछ और कह रहे हैं और आवाज कुछ और आ रही है, बिकॉज ऑब्वियसली आई कांट स्पीक द सेम वर्ड्स एग्जैक्टली जो मैंने उस दिन बोले थे, मुझे लगा कि यार इतना सारा वॉइस ओवर डालने से अच्छा है लोग इरिटेट ना हो जाएं। मैंने सोचा कि इसको मैं कट 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 करके थोड़ा सा डाल देती हूँ कि हमने क्या क्या किया, बट सारी मस्ती वस्ती बहुत काटनी पड़ी मुझे। तो अभी आज धनतेरस है, मैं जा रही हूँ सैलॉन। मैंने बहुत टाइम से अपने बालों का कुछ करवाया नहीं है, आज ऑफिस भी नहीं जाना था तो इसलिए फिर मेरे पास वक्त था, तो मैंने कहा आज मैं सैलॉन जाती हूँ और मुझे ना अपने स्कैल्प की स्क्रबिंग करवा के आनी है, बिकॉज मेरा स्कैल्प आजकल बहुत ऑयली हो रहा है। आई हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर सो मच बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी विद वर्क, तो सिर्फ जो घर में धोते हैं बाल वही धो रही थी, बट कभी कोई स्पा नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। तो आज मैंने सोचा सबसे पहले मेरे पास टाइम है तो मैं सैलॉन जाती हूँ और ना अपने स्कैल्प की स्क्रबिंग करा के आती हूँ अच्छे से, वो कराएंगे और उसके बाद क्योंकि आज धनतेरस है मैं घर आऊंगी, रेडी होंगी और तब तक कमल भी अपने अपनी ट्रेनिंग से आ जाएगा, फिर हम जाएंगे गोल्ड खरीदने जैसे मैं हर साल जाती हूँ। आप लोगों को पता है कुछ गोल्ड की चीज खरीद के लाती हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर रीना टू कम, तो वो आ जाए फिर मैं जाऊंगी करवाने के लिए। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर, तब तक मैंने मशीन लगाई हुई है, एज यूजुअल कपड़े चल रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। I am back. मैंने बहुत अच्छे से अपना बालों का काम करवाया है, आराम तो मिला ही और साथ साथ ऐसे लगा कि बहुत बढ़िया मेरा स्कैल्प क्लीन हुआ है। आज मैंने स्कैल्प ट्रीटमेंट करवाया लॉरियल का, तो वो हो गया। अब कमल एनी मोमेंट आ जाएगा, मैं सोच रही हूँ तैयार होना शुरू कर दूँ, और रीना का भी काम चल रहा है जहाँ से आपको आवाज आ रही है। मैं इतनी देर रेडी हो जाऊंगी जितनी देर में कमल लंच करेगा और फिर हम निकलेंगे, हो ही जाएगा यार, 4 बज जाएंगे आई थिंक निकलते निकलते। जी हम लोग निकल गए हैं फाइनली, कुछ गोल्ड की जो चीज लेनी होती है वो लेंगे, देखते हैं जो पसंद आ गया। एक दो चीजें हैं जरूरत की वो मिल गई तो वो बढ़िया है, लेट्स सी क्या लेके आते हैं। उसके अलावा अब आज निकले हैं, कल निकलना नहीं होगा और परसों दिवाली है, कल बोथ ऑफ अस हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो दिए भी हम लोग आज ही लेके आएंगे। दिए और क्या होता है, कमू लाइट लेनी है अपन को एक, तो एक दो चीजें हैं अभी, मैंने लिस्ट नहीं बनाई इस बार, बट मुझे लाइट और दिए याद है, अब इसके अलावा मैं भूल रही हूँ। दिए जलाने के लिए तेल, वैसे यहाँ पे तनिष्क जैसी जगहों से अगर गोल्ड लेना हो ना तो वैसे बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है, लेबर चार्जेस वगैरह बहुत हो जाते हैं यार यहाँ पे, बट नाउ आई हैव नो ऑप्शन क्योंकि डिजाइन भी फिर अच्छे नॉर्मल ऐसे ज्वेलर पे मिलते ही नहीं है यार, तो इसलिए फिर ऐसे बड़े ब्रांड पे जाना ही पड़ता है। कल मैं अपना ऑर्डर्स पैक करके आ रही थी घर, तो मेरे दोनों हाथों में वही ऑर्डर्स थे मेरे, इतने भारी भारी, और मैं वहां से चल के प्लैटिनो से इधर अपनी तरफ आ रही थी, ठीक है। आई नो आई वाज लुकिंग मेस्ड अप क्योंकि इतने ऑर्डर्स पैक करके आई थी, फिर धूप में वो दोनों बैग्स उठा के इधर लेके आई थी, तो एक बंदी मेरे साथ लिफ्ट में एंटर हुई, हमारी बिल्डिंग में, हमारी जहाँ हम रहते हैं, एंटर होते बोली मुझे ऐसे लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है, या तो आपकी शक्ल मिल रही है किसी से। मैंने बोला कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, हो सकता है आप मेरा चैनल देखते हो, तो कह रही आप ज्योति सेठी हो ना। मैंने बोला हाँ ज्योति सेठी, एंड देन शी टेल्स मी पर वीडियो में तो आप सुंदर लगते हो। व्हाट? हाँ मुंह पे बोल दिया भाई उसने मेरे, मतलब हाँ मेरे को मुंह पे बोल दिया उसने, जो भी बट पीपल से दीज थिंग्स या दे डोंट गिव अ डैम कि मैं किसी को क्या बोल रही हूँ। बोलोगे आप कभी किसी को कि यार वैसे तो आप सुंदर लगते हो? देखो, तुम देखो भाई मैं कितना काम करके आ रही हूँ, सड़ा सा मैंने नाइट सूट पहना हुआ है, बाल मेरे सारे सफेद हो रखे थे, आज मैं कलर करा के आई हूँ, कल मेरे बाल सारे सफेद हो रहे। सो देर आर डेज वेन यू लुक बैड एंड यू डोंट लुक दैट ग्रेट, बट पीपल डोंट जस्ट, नहीं है उनको कोई लेना देना नहीं किसी की फीलिंग्स का। Hurts me so, it's in the past already.
बाल ले ले, चूहे तेरे सब बाहर आ रखे खुशी खुशी में। One eternity later. हम लोग निकल गए तनिष्क से बिना कुछ लिए, बिना कुछ लिए। I don't know वहाँ पे एकदम से क्या हुआ। So basically पूरे तनिष्क में एक ही चीज पसंद आई जो कि थी रिंग, और उसपे सॉलिटेयर लगा हुआ था और बहुत सारे डायमंड्स थे। बहुत महंगी रिंग थी, सब कुछ सही चल रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ही जल्दबाजी कर रही हूँ इतनी महंगी चीज लेने में। वी डिसाइडेड के वील लीव फ्रॉम तनिष्क, लेट्स नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर, बिकॉज मुझे वहाँ पे रिंग ही पसंद आई थी, ये वाली जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। मान ले तू घर जाती है और तू सोचती है इसके बारे में ना, एक दिन देती एक रात देती है इसको, और तुझे कल लगे कि नहीं यार कमा मुझे चाहिए, देन वी कैन टुमारो कम बैक एंड बाय इट। सी चीजें जो डिसीजंस वो होती है ना। हाँ भाई, मुझे जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि ये वाली जो अंगूठी है, जो रूबीज और डायमंड्स वाली मैंने बनाई थी, ये भी मैंने रश में ही बनवाई थी, राइट? करेक्ट। एंड आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं आराम से लेती तो मैं ये डिजाइन ना लेती। Okay. मुझे लगता है कि मैं ये डिजाइन ना लेती अगर अच्छा। मैं सोच समझ के लेती दो okay. दिन बाद शायद मुझे ऐसा होता कि नहीं मुझे डिजाइन चेंज करना है, बहुत बड़ा डिजाइन है, right. तो लेट्स स्लीप ओवर इट, एंड उसके बाद अगर कल परसों में मन किया तो लूंगी। तो अब हम जा रहे हैं एक छोटे ज्वेलर के पास जहाँ पे मैं एक बार जा चुकी हूँ। वो वाली रिंग मैंने अभी पहनी नहीं हुई, बट वो मैंने वहीं से ली थी, तो उनके पास ऐसे कोई खास डिजाइन नहीं होते, तो वहाँ से कोई छोटी सी चीज शगन के लिए उठाएंगे। वो जो दो रिंग तुम्हारे पास बोर्ड की है छोटी छोटी वाली, वो तुमने यहीं से ली थी ना शायद? जो ब्रेसलेट लिया था वो मैंने एक दिन पहना और वो टूट गया। हाँ, मुझे पता होता कि मैं उस दुकान पे जा रही हूँ तो मैं वो ब्रेसलेट भी ले आती और उन्हें दिखाती कि भाई ये क्या है, एक बार पहना मैंने और उसी बार में टूट गया। हम वहाँ जाते हैं, फिर देखते हैं वहाँ से कुछ पसंद आया तो पहनने का लेंगे, नहीं आया तो फिर एक बस सिक्का लेके आ जाए। सो तनिष्क से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं दिए और लाइट्स वगैरह खरीदने। तो जहाँ हम दिए खरीद रहे थे वहीं पे हमें लाइट्स भी दिख गई, तो हमने सोचा इस बार हम ये दोनों तीनों चीजें जो भी लेनी है वो स्ट्रीट वेंडर से ही ले लेते हैं, व्हाई नॉट। उसके बाद हम लोग गए दो तीन वहाँ पे ज्वेलर्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा नजर मारी, कुछ पसंद नहीं आया तो इसलिए फाइनली फिर सिक्का ही ले लिया और वो लेके आके हम लोगों ने मंदिर में रख दिया। मेरे पता है क्या हुआ, वहां पे तनिष्क में बैठे ना वो आंटी मेरे बगल में बैठे थे, उन्होंने चेयर अपनी टेढ़ी रखी हुई थी, जोर से उस पे मेरी कोहनी लगी है कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है। ओए तो सूजा हुआ लग रहा है तो। ये हाँ। ओ गॉड। आइसिंग करेंगे। रहने दो, तो बात मत कर मेरे से। क्यों करूं? साल में एक बार मैं तुमको बोलती हूँ मुझे पानीपुरी खिलाने, और हक से बोलती हूँ पानीपुरी खिला दो है। बस ठीक है, कुछ नहीं, तुम्हें पता है, you know the whole story, what do I say? नहीं खिलाऊंगा। साफ मना किया तुम्हें। जो हेल्दी खाना है बोल, अभी खिलाता हूँ। कमल, मैंने मुश्किल से चार पांच पानीपुरी खानी थी हाँ। क्या होता उसमें, क्या इतना क्या होता साल में? अगर मैं सिर्फ तुम्हें पता है, ऑन अ सीरियस नोट, मैं तुमको साल में एक बार सिर्फ हक से बोलती हूँ कि कमल मैं अब पानीपुरी खाएंगे आज, और यही आते हैं हम दिवाली पे, यहीं पे बोलती हूँ, और आज तूने मुझे जैसे मना किया ना, मैं याद रखूंगी हमेशा। मैं तुम्हें कुछ भी गंदा खाने नहीं दूंगा, हेल्दी खाना है तुम्हें। तुम रो रही हो? फालतू पहन गई दुपट्टा। ओहो हो, मजा आ गया, लेकिन बहुत मजा आ गया पानी पूरी खा के। ये इसमें भी दर्द। तुम इस टाइम पे फिटनेस फ्रीक बनी हुई हो, तुम अच्छे से जिम जा रही हो, अपनी मेहनत कर रही हो। इमेजिन यू फॉल सिक एंड यू वेस्ट 5 days इन द बेड, देन व्हाट विल यू डू? हु विल यू कॉल? हु विल यू से कि कमल तुमने मेरे को रोकना चाहिए था ना पानी पूरी खाने से? वो ऐसे भी बोल देती कभी कभी, फिर ये बोलती कि नहीं बोलती बता दे। अब नहीं बोल, अब जवाब नहीं है, बहुत जोर से लगी हुई है तुमको। कब हुआ ये कांड? मैंने इतनी जोर से ऐसे भी किया था, तूने मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैं तो अंधा हो जाता हूँ, धृतराष्ट्र बन जाता हूँ मैं तो जब तेरे साथ होता हूँ। अब मुझे बताएगी तनिष्क, शोरूम की बात है ये? शोरूम में तेरे कोड़ी पे लगी? फ्लोर पे बैठे थे ना जहाँ पे हम तेरे लिए कड़ा देख रहे थे, जुबान बंद हो गई थी एक मिनट के लिए। ओ गॉड, इतनी जोर से दर्द हुई। तू लगा था पता नहीं फोन फान में, पता नहीं किससे बातें कर रहा था मैं। तो जो तेरा आर्टिकल आया ना वो वाला? हाँ सच, मैंने आप लोगों को तो बताया ही नहीं। मैं वो शेयर कर रहा था। मैंने वो तो बताया नहीं। शी द पीपल करके आप लोगों को एक पता होगा, एक प्लेटफॉर्म है। इन लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया बेसिकली जिनपे ये लोग जो औरतें हैं, फीमेल्स हैं,
उन्हीं की न्यूज उस पे डालते हैं, उनकी अचीवमेंट्स उनको फीचर करते हैं, तो हमारा आभारी आज उस पे फीचर हुआ है बाय द वे। तो आज सुबह आर्टिकल आया था, कल उन्होंने मुझे एक्चुअली कॉन्टेक्ट किया था पहली बार बताने के लिए दैट ऐसा ऐसा हुआ है एंड कुछ थॉट्स वगैरह लेते हैं वो ऐड करने के लिए कि व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस, ये वो ऐसा करके। तो वो मैंने जवाब दे दिया उनको कल, एंड आज सुबह सुबह उन्होंने मुझे लिंक भेजा कि द आर्टिकल इज आउट। और जो मेरे साथ फीचर हुए उसमें बुनाई, द लूम, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। प्राउड ऑफ यू कोको। थैंक यू। दिस इज हैपेंड बिकॉज़ यू डिसाइडेड नॉट टू ईट पानीपुरी। या Right. ये क्या किया आपने? तुम्हें पता है कितनी जान पे खेल के तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए जीत के लाया था। मम्मा ये क्या किया इसने? इतनी मेहनत से जीता था, मेरे 10 में से 7 डाले थे, वो भी जान पे खेल के। जान पे खेल के गन थी या बगल में राइफल छर्रे वाली। वैसे मिस्टी ने इस टॉय की वाट लगाई है, इतना फाड़ा इसको अंदर से रुई निकाली है, बट रात को उसी के साथ सोई है। गुड मॉर्निंग गाइज, धनतेरस से अगला दिन है ये और मेरी ऑफिस से शुरुआत हुई है। ऑफिस में माली ने आना था अपनी विजिट के लिए, वही जो 10-15 डेज में एक बार वो आता है और सब करके जाता है। उसके बाद कमल को मैंने बोला हुआ था कि प्लीज़ लाइट्स वगैरह लगा देना टाइम से, तो उसने मेरे पीछे से लाइट्स लगा दी थी। उसके बाद आके मैंने दियों का काम किया, उनको भिगोना था और भिगो के थोड़ा टाइम रखना था और उसके बाद उनको सूखने के लिए रखना होता है। ये प्रोसेस करना ज़रूरी होता है दियों का, अदरवाइज दिए बहुत ज़्यादा तेल पी लेते हैं। साहब ये देख लो, मिष्टी ने अपने टॉय का बुरा हाल करा हुआ है एंड शी इज लविंग टू डू दिस। ये देख लो इधर डोरेमोन में से, तो मतलब सारा कुछ, सारी रुई वुई सब उसने निकाल दिया, बट थैंकफुली खा नहीं रही थी रुई, तो मैंने वो चेक कर लिया था। मैंने कहा बस निकालना बड़ा अच्छा लग रहा है इसे। अब मैंने फाइनली सोचा कि ये बार बार निकाल रही तो ना इसको थोड़ा सा स्टिच कर देती हूँ, क्योंकि जब ये खराब हो चुका था ना, तो मिष्टी इसी की तरफ देखी जा रही थी लाइक कि मुझे दे दो किसी तरह दे दो। तो मैंने कहा इसको ठीक कर देते हैं, थोड़ा सा काम चलाऊ कर देते हैं, वो दे दिया। उसके बाद शाम को हम लोग आए मिठाई लेने के लिए, दिवाली के लिए भोग लगाने के लिए, गौरव स्वीट से जो भी हमें घर के पास था वहां से हमने ले ली। गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी दिवाली। फाइनली आज दिवाली का दिन है, मैं रेडी हो रही हूँ। और बाय द वे आज से रीना जा रही थी 20-25, आई डोंट नो, वो पूरा आइडिया नहीं देखी गई अच्छे से, बट वो जा रही है छुट्टियों पे। तो आज सुबह घर का सारा काम, कुकिंग वगैरह सब कुछ मुझे ही करनी थी। फाइनली दोपहर बाद अब मैं रेडी हो रही हूँ, हो गई मैं तैयार। ये मैंने पहन लिया है सूट, बहुत ही सुंदर येलो कलर का। ये मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में दिखाया था जब मुझे आया था। आई थिंक परफेक्ट है ये आज पहनने के लिए। मेकअप लाइट सब बहुत अच्छा हुआ है, कम हो रहा है रेडी। मैं भरूंगी दिए, तेल वगैरह जो भरना होता है। ये रहे दिए जो हम उस दिन धनतेरस वाले दिन लेके आए थे, आज मैंने इन्हें धूप में रख दिया था अच्छे से बाहर ये बैल्कनी में ही, और अब मैं इन्हें भरूंगी तेल से। ओके, तो ये है हम जो मिठाई लेके आए हैं। सो क्योंकि हम लोग बिल्कुल मिठाई खाने के उसमें कोई है नहीं, हम अरे ये ऐसे क्यों टूटा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खाया है। ये हैं ओट्स और मखाने के लड्डू, जहाँ से हम लोग ले रहे थे वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन यही लगा था, तो हम यही ले आए थे। तो इसी से हम भोग लगाएंगे और यही बाद में हमें फिर खाने होंगे, तो हम एटलीस्ट खा लेंगे। बट वी डेंट वॉन्ट एकदम प्रॉपर वो ट्रेडिशनल जो मिठाई होती है, इट्स अ लॉट ऑफ मीठा। सो अभी तक जितना जिम किया है एक दिन के अंदर वेस्ट हो जाएगा। और ये थोड़े से दिए एक्स्ट्रा हैं, ये 15 नवंबर को गुरपुरब है तो उस दिन काम आ जाएंगे, तो मैंने अलग साफ इनको निकाल के रख दिया है। मैं रेडी हो गया हूँ। ये वो कुर्ता है जो मेरी बीवी ने मुझे मिस्ट्री बॉक्स में दिया, मिस्ट्री बॉक्स में सह प्रेम दिया था। साइज थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा, बट शोल्डर से बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए हम इसे यहाँ से अगर जरूरत लगी तो अल्टर कराएंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ अच्छा लग रहा है, आई थिंक हाँ बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। हाँ, और कॉटन है ना, तो और बढ़िया तेरे को है ना। आई थिंक फैब इंडिया का जो कुर्ता था ना मेरा, जो शादी में पहना था मैंने, उसके बाद कोई कुर्ते की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगी।
And good. This lace thing going on is also looking very good. So now you know that you are bound to give a kurta on every Diwali to me because tumne pichli Diwali pe mujhe ek diya tha. Haan, black wala. Haan, to ab tumne dekho. Pichli wali nahi, but pichla jab mystery box kiya tha, jab bhi kiya tha. Par wo Diwali ke liye pehne ke. Haan, Diwali ke liye diya tha. So main wahi keh raha hu ki ab tumne do kar diya, ab dekho. अब हाँ कल वो बन चुका है रिचुअल रीत सदा चली आई हाँ। जो भी होता है ना नहीं नहीं डन योर दिवाली कुर्ता ऑलवेज ऑन मी ठीक है और मुझे एकदम रिटर्न में क्या मिलेगा बहुत सारा है ना बहुत सारा प्यार ना वो वाली रिंग मिलेगी ना जो पसंद आई थी वहाँ पे वो रिंग वो भी तेरे दिमाग में चल रही है हाँ चल रही है मेरे मुझे तो लगा तू यू आर ओवर इट ये रहे हम दोनों बता दो मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ कि कमल मैं देख ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज मैं तेरे से ज्यादा सुंदर लग रही हूँ लो जी दिए हो गए बिल्कुल रेडी अब सबसे पहले मंदिर में पहला दिया रख के उसके बाद हम लोग पूरे घर में दिए लगाएंगे सो अब मैं हूँ रास्ते में ऑफिस के क्योंकि ऑफिस में भी जाके दिए जलाने हैं ज़्यादा नहीं एक दो ही जलाना चाहती हूँ क्योंकि अकेला रहेगा ऑफिस बाद में तो थोड़ा रिस्क रहता है तो यू नो दिमाग में ऐसा चलता रहता है तो इसलिए बस एक दो मेन वहाँ पे मैंने दिए जलाए और उसके बाद मैं घर आ गई वापस नारद ऋषि गाथा लक्ष्मी माता की जय जय लक्ष्मी माता आप भी हमारी लक्ष्मी है मेरी माता हमारी लक्ष्मी है जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता जय 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 नारायण यार तुम टीका लगा दो तुम मेरे को पूरा वो पूरा मोहब्बत वाला टीका लगा दे छील के तो खिला बिना छीले खिला रही है ये देखियो ऐसे वो हुआ है जैसे पता नहीं एक चक मारा हो किसी ने हाँ। नहीं मारा कल पक्का हे लक्ष्मी माता अगर ये गलती मैंने की होती तो तीसरी आंख खोल देती अभी तक कितनी देर में मेरे को अपने में से थोड़ा सा दे देना बस स्ट्रेस में इस वक्त उसको मत पंगे लो थोड़ा ही देना बिल्कुल उसको भी दे दो वो अंदर नहीं आएगा हाँ मीठा है दे लव इट आई नो मिलता भी तो नहीं है हमसे कभी गुड गर्ल गुड बॉय अब हम मम्मी पापा को फोन कर लेते पापा मेरी जान हरदम रखना ओ यार पापा टू तुम्हारे दो पापा है नहीं पापा के पास दो नंबर थे ना तो पापा वन वाला पापा ने बंद कर दिया अभी पापा टू वाला है नमस्ते मम्मी हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली मम्मा कर ली पूजा अच्छा टीका तो लगा हुआ है जो अभी होगी हमारी दिए भी लगा लिए ओके गाइस सो दिवाली की पूजा हो गई और अब हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया बाहर से और साथ ही साथ हम लोग खेलेंगे थोड़े बहुत पत्ते लेकिन हम पत्ते नहीं खेलते हम पत्ते उनो खेलते तो मैं और कमल खेलेंगे उनो एंड दैट्स हाउ वी विल एंड अवर डे उसके बाद चेंज करके हम लोग सो जाएंगे टाइम से बिकॉज टुमारो वी हैव अ वेरी बिजी डे और हम लोग जल्दी सेटल हो जाएंगे बिकॉज क्या है ना मिष्टी इज अ डॉग हु इज वेरी स्केयर्ड ऑफ ऑल दीज पटाखों की साउंड्स तो मिष्टी इस वक्त पे बहुत ज़्यादा मतलब एंशियस पड़ी हुई है घूमी जा रही है इधर से उधर अगर आप देखोगे हमारे पीछे ये देखो तो हम लोग क्या करेंगे जल्दी सेटल होंगे ना तो थोड़ा सा जल्दी मिष्टी भी सेटल हो जाएगी उसको काफ़ी टाइम लगता है कंबल के अंदर जाने में बहुत टाइम वो पहले एंशियस रहती है क्योंकि लास्ट काफ़ी दिनों से यही उसका हाल चल रहा है जब से पटाखे वटाखे चल रहे हैं धनतेरस पे भी एंड ऑल ऑफ दैट लास्ट दिवाली हमारी इस मामले में अच्छी गई थी मिष्टी वॉज वेरी मच एट पीस बिकॉज हम लोग यहाँ पे थे ही नहीं हम लोग बाहर चले गए थे वो याद है yes. ट्रिप लिया था हम लोगों ने इगतपुरी यस होप आप लोगों की भी दिवाली अच्छी गई हो हमारी बहुत अच्छी गई हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली बस फिर उसके बाद हम लोगों ने बालकनी में बैठ के थोड़े बहुत उनो के गेम खेले और उसके बाद हमने सोचा अब हम गेम्स अंदर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मिष्टी बहुत डर रही थी पटाखों की आवाज़ से लेकिन अभी तो पूजा वगैरह का टाइम चल रहा था सब लोग अपने अपने घरों में थे
बहुत ज्यादा लोग पटाखे नहीं चला रहे थे तभी मिष्टी का इतना बुरा हाल था, तो वी वर जस्ट ट्राइंग टू प्ले गेम्स विद हर ऐसे छुपन छुपाई टाइप्स उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं वो डिस्ट्रैक्ट हो नहीं पा रही थी। जैसे ही बाहर से कोई आवाज आती थी वो फिर वापस से उसका बहुत बुरा हाल हो जाता था, एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली शिवरिंग, शी वॉज फीलिंग सो ट्रॉमेटाइज्ड, आई कांट इवन टेल यू। वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट कि उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करें, बट इन लोगों के कान वैसे भी बहुत तेज होते हैं तो भाई इनको तो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज आती है। धीरे धीरे आवाज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पटाखों की, तो मैंने उसके कानों को कवर करने की कोशिश करी, कोई भी जो चीज़ मुझे थोड़ा सा लगा कि सेट आएगी उसके साथ मैंने उसके कान कवर करने को की कोशिश करी, एंड उससे मुझे ऐसा लगा कि उसको थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बिकॉज अदरवाइज उसके फेस पे कुछ भी होता ना तो वो अभी तक उतार चुकी होती, बट उसने नहीं उतारा तो इसका मतलब शी वॉज फीलिंग अ बिट कम्फर्टेबल। मफलर मफलर निकाल ले तुम तो ताई, चाय बना दू ताई तो डालिए। ताई बताओ इनका लोगों का भी समझ नहीं आता, ते फटाके फटाके फोड़े हुए ताई जी, रात में देखो आपकी पूरी प्रजाति को परेशान कर दी। ओए शोना बेटा, ताई मिष्टू पनीर खाएगी? पनीर पनीर है कुछ तो, नहीं से अभी वो हो रहा कुछ नहीं, ये चाहती ट्रीटी खाएगी ट्रीटी। ओ रुक गई पटाखे, शांति हुई एकदम से देख, ए ताई रुक गया पटाखे ना सोने चले गए सब। यार एक टाइम होना चाहिए वैसे ना, बचा है 10 बजे का टाइम है, बचा सकते हो तो। अभी टाइम क्या हो गया, अब तो 10 से ज्यादा हो गया। आप 100 नंबर फोन करो, लेकिन किस किस को पकड़ोगे आप मिष्टू? है ताई लगा फोन, 100 पे नंबर दे, रुक ले ताई, ए 100 ले बात करता ही। ओके तो फाइनली अब हम लोग कर रहे हैं सोने की तैयारी, मतलब एटलीस्ट हम चाहते हैं कि हम ना लाइट वगैरह बंद कर दें ताकि मिष्टी को किसी तरीके से थोड़ा कंफर्ट और मिले, शायद वो कंबल के अंदर चली जाए। अभी वी नो दैट कंबल के अंदर घुस के सोना उसकी फेवरेट चीज है करने के लिए, बट शी वॉज नॉट रेडी टू गो इनसाइड द ब्लैंकेट अभी के लिए, शी वॉज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, शी वॉज कॉन्स्टेंटली शिवरिंग। सो दिवाली मिष्टी के लिए और मिष्टी जैसे और डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स जिनको डर लगता है इन साउंड से, उनके लिए दिवाली बड़ी बड़ी यू नो अच्छी नहीं रहती है, बट हम लोग की दिवाली खैर अच्छी गई। दिस इज हाउ वी सेलिब्रेटेड, होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग। अब मैं आपको मिलूंगी अगले व्लॉग में, सी यू गाइज वेरी सून।